हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और आज है ट्यूसडे, 1:30 हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक जरूर करना। ये सबसे पहले कह दिया मैंने, क्योंकि ये लास्ट में हो जाता है तो फिर बिल्कुल पता नहीं फिर वहां तक आप देखते हैं कि नहीं देखते, इसलिए मैंने सोचा स्टार्टिंग में बोल दूं। वीडियोस देखिए और लाइक जरूर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। और एक रिक्वेस्ट मेरे जो साइलेंट सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी है, जो मुझे रेगुलर कमेंट दे रहे हैं व्यूवर्स, तो उनके लिए क्या है कि वो तो मुझे देख रहे हैं और मेरे को पता भी चल जाता है कि भाई हाँ ये मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे कमेंट नहीं किया, ना ही कमेंट करके बताया कि उन्हें मैं अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती हूँ। तो आपको मैं अच्छी लगती हूँ, आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, तो आज कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गुजारिश है, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं, एक छोटा सा बस अपना मतलब अगर आप मुझे पसंद कर रहे हैं उस चीज को शो करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज गई है तविशी पिकनिक, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी 2-3 दिन से, तो वो उस पिकनिक की तैयारी में इतनी लगी हुई थी ना, मैं ये लेकर जाऊंगी, मैं ये लेकर जाऊंगी, ये लेना है, वो लेना है, गेम्स के लिए हम खेलेंगे, हम ऊनो खेलेंगे, ये खेलेंगे, तो वो सब लेकर गई है। तो अपना बचपन मैं उसे देखकर याद कर रही थी कि हम लोग भी ऐसे एक्साइटेड होते थे, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ऐसे ही बोलते थे तू क्या लेकर आएगी, मैं ये लेकर आऊंगी, मम्मी से मैं ये बनवाऊंगी, तुम ये लेकर आना। तो बच्चों को देख के अपना बचपन याद आता है। और मैं जैसे वो आज पिकनिक पे गई है तो उसको मैं समझा रही थी कि भाई तविशी अब जैसे आप पिकनिक पे जाते हो, वैसे तो टीचर्स वगैरह ध्यान रखते हैं लेकिन फिर भी हम पेरेंट्स हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी अपने बच्चों को कुछ समझाएं। तो मैं उसको समझा रही थी कि भाई इधर उधर अकेले मत घूमना, टीचर्स के साथ ही रहना और ग्रुप में ही रहना, अकेले कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भटकना। हर साल ही बताती हूँ जब वो पिकनिक जाती है तो फिर वो बोलने लगी, मम्मा आप हर साल जब भी मैं पिकनिक जाती हूँ ये सारी चीजें बोलते हो, हर साल मुझे याद हो गई फिर भी आप रिपीट करते हो। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा मैं माँ हूँ, पेरेंट्स हैं हम लोग, हमारा हमें डर लगता है आपको कहीं भेजते हुए, घबराहट होती है, इसलिए हम आपको समझाते हैं। और वैसे भी हर 15-20 दिन में अपने बच्चों को जैसे आता है आजकल के माहौल के हिसाब से अपने बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए, समझाना चाहिए कि क्या चीज किन किन चीजों का ध्यान रखें, बच्चा जाता है स्कूल जाता है ये सब, तो हमारा फर्ज बनता ही है। तो वही मैं इसको ऐसे ही बेसिक जो चीजें होती हैं वही समझाने लगी हुई थी, लेकिन उसका मैं उसे इससे पहले ही समझाती उसी ने मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। और आज मैं सोच रही हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में गाजर का हलवा नहीं बनेगा तो कब बनेगा, क्योंकि सर्दियों में ही आती है बढ़िया बढ़िया गाजर, तो मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा, वो भी इंस्टेंट वाला, आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी। और मैंने पहना हुआ है ये सूट, आप सोच रहे होंगे नीचे क्या पहना हुआ है, मैंने पहनी हुई है इसके नीचे टी शर्ट, और ये वाली टी शर्ट इसलिए पहनी है क्योंकि इसी ही का गला इतना बड़ा है जो मतलब नहीं तो और दूसरी टी शर्ट जो ट्राई करती हूँ ना तो वो यहाँ तक आती है, तो मैंने फिर ये वाला पहना है ताकि ये ऐसे अंदर तक आ जाए, थोड़ा बहुत दिख रहा है बस ये, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट वूलन पहनती हूँ ना कोई भी चीज तो फिर मुझे ना बहुत इचिंग होने लग जाती है, इसलिए मुझे ऐसे कुर्तियों के नीचे टी शर्ट वगैरह डालनी ही पड़ती है, नहीं तो बहुत बहुत रैशेज जैसे इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम मुझे है तो वो होती है मुझको, तो ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का। और जो कल मैंने आपको प्लांट्स के नाम बताए थे, जो फ्लावर्स मैं लेकर आई हूँ वो मैंने गलत बोल दिया था, वो पिटोनिया नहीं वो बेगोनिया है, मेरे को एक मेरी फ्रेंड ने कमेंट करके बताया और फिर मैंने देखा भी नेट पे, हाँ वो बेगोनिया है। देखो मुझे ना पौधों के नाम ज्यादा नहीं मालूम है इसलिए मैंने गलती से बोल दिया, हो सकता है आपने किसी ने देखा और नोटिस किया हो, आप भी ये सोचें कि ये गलत बोल रही है इसलिए गलत बोला क्योंकि पता ही नहीं था। और दूसरी बात ये है कि मुझे पिटोनिया बेगोनिया वुमनिया सब एक जैसे ही हैं तो कंफ्यूजन तो हो ही जाती है। तो चलिए अब चलेंगे किचन में, बातें भी करते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो गाजर जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर छीला हुआ है और मैं इनको यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ। तो कद्दूकस से मैं मोटे वाली जो साइड होती है उस साइड से ग्रेट कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं लेकिन ग्राइंड करने में पानी निकल जाता है गाजर का, इसलिए ग्रेट करना ही ज़्यादा ठीक है। तो कद्दूकस की आप चाहे तो पतले वाली साइड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं मोटे वाली साइड यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है मुझे। और मैंने 1 किलो गाजर थी ग्रेट कर ली हैं और ये कुकर चढ़ा दिया है मैंने गैस के ऊपर और जो फ्लेम है वो फुल है गैस की, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 करछी घी जो अच्छा खासा जम गया है विंटर्स के कारण। और अब जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगी हरे वाली 3 इलायची जो जिन्हें मैंने कूट लिया है, और अभी बस इसको अच्छे से पिघलने का मैं वेट कर रही हूँ, पिघल गया है घी और अब मैं डालूंगी इसके अंदर 3 इलायची। आपको इलायची अच्छे लगे तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर अब जो गाजर मैंने कसी हुई हैं इनको मैं डालूँगी,
बहुत जल्दी बन जाता है ये हलवा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कम मेहनत में अगर कोई अच्छी चीज़ बन जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। सोने पे सुहागा बोलेंगे इसको। तो अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी 1 से 2 मिनट तक घी के अंदर। अभी मैं गाजर को ऐसे ही चलाती रहूंगी और अच्छे से भूनूंगी। तो देखिए गाजर कितने अच्छे से भुन गई है। थोड़ा सा इसका कलर भी आप देख रहे होंगे चेंज हो गया, कच्चापन सा जो होता है वो चला गया है इसका 2 मिनट बाद। अब मैं इसमें 1 कप दूध डाल रही हूँ, ये फुल क्रीम दूध है, और मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी और अब कुकर को बंद कर दूँगी और 1 सीटी आने तक इसको पकाऊँगी। तो कुकर में 1 सीटी आ गई थी, कुकर ठंडा भी हो गया था तो मैंने इसकी स्टीम सारी निकल गई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने अब फिर से गैस ऑन कर दी है और अब मैं इसके अंदर मिलाऊंगी चीनी। तो चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको अगर मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा चीनी डालें, कम मीठा अच्छा लगता है तो आप इसमें कम चीनी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो छोटी कटोरी है इससे थोड़ी सी कम चीनी इसके अंदर मिक्स कर दी है और अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि ये दूध और जो चीनी का पानी है, क्योंकि चीनी भी पिघलने के बाद थोड़ी लिक्विड हो जाती है तो ये जब तक सूख नहीं जाता है। तो इसको भी बनने में 5 से 10 मिनट लगते हैं इसका पानी जो होता है अच्छे से सूखने में। तब तक बीच बीच में इसे चलाते जाइए और अपना काम भी करते रहिए। मैंने साइड में देखो आलू मेथी की सब्ज़ी भी बना दी थी, चॉपिंग वगैरह कर दी थी, आलू मेथी भी बन गई है। और यहाँ देखिए ये जो इसका पानी है सूख चुका है, मैंने इसमें मिला दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम को कूट के डाला है, आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे से देखिए इसका जितना भी पानी था सूख गया है। और 1 करछी मैंने इसमें डाला है कंडेंस्ड मिल्क और इसको भी मैं चलाती रहूँगी और ये भी तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसका ये जो पानी है सूख ना जाए। और यहाँ पर मैंने लिया है ये जो अमूल का होता है कंडेंस्ड मिल्क वो, और अब इसको लगातार चलाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि जो ये कंडेंस्ड मिल्क है ये नीचे चिपक सकता है और जल सकता है। इसलिए इसको 1 मिनट तक मैंने लगातार चलाया जब तक कि ये जो हलवा है मेरा बिल्कुल सूख नहीं गया। तो अब आप देख सकते हैं ये जो हलवा है बिल्कुल सूख गया है और अब ये मैंने बाउल में इस हलवे को निकालूंगी। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना मतलब मेरा तो मुंह में पानी आ गया अभी भी। मैं तो वैसे इसे खा चुकी हूँ अब मैं जब इसकी एडिटिंग कर रही हूँ तो, लेकिन देखकर फिर मेरा मन कर गया इसको खाने का और सच में बहुत ही यमी बना था। और मैं इसको ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा बादाम मैंने लिए हैं उनसे इसे गार्निश कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देख लीजिए मेथी की सब्ज़ी भी है जो बन चुकी है और साथ में मैंने गूंद लिया है आटा, तभी शी आएगी तो बस फिर मैं बनाऊंगी। और पास से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मैं 100% कहती हूँ आपको ये सच में बहुत अच्छा लगने वाला है। और लंच तो अब बन गया है, तवीशी के आने का वेट हो रहा है। और जो हलवा बनाया मैंने, पहले सोचा था तवीशी को टेस्ट कराऊंगी लेकिन मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, थोड़ा सा मैंने चेक कर देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यमी बना है। और अगर आप ऐसे ही बनाते हैं तो कमेंट करके बताना, और नहीं बनाया है तो बनाकर उसको अच्छे से उसका टेस्ट देख कर उसको खाकर फिर कमेंट करके बताना कि कैसा बना। घर पर ट्राई जरूर करना अगर अभी तक नहीं बनाया है तो। बहुत जल्दी बनता है, मतलब बनाने में मेरे को इस हलवे को 1 किलो गाजर ली थी जैसे मैंने तो 25 मिनट लगे, उसमें भी बीच में मैं दूसरा काम करने लग गई थी, सब्जी मेथी वगैरह की चॉपिंग वगैरह करना, आटा वगैरह गूंदना, नहीं तो थोड़ा और जल्दी बन जाता। तो मतलब बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही यम्मी बनता है। अब तवीशी आएगी वो आपको बताएगी टेस्ट करके कि कैसा रियल में कैसा बना है, क्योंकि जब दूसरे से पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छा बताएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और अभी जैसे सुबह मैंने वो चॉपर वाला वीडियो अपलोड किया था उसके व्यूज मैं अब देख रही हूँ कि कितने हुए हैं और आपके कमेंट्स वगैरह भी देख रही हूँ। और अभी रिसेंटली मेरे पास मेरे व्यूवर्स हैं उनके भी कमेंट आए हैं, वो एक हैं योगेश परमार और एक है महक, उन्होंने बोला था हमारा नाम जरूर बोलिएगा ब्लॉग में। तो देखिए मैंने आपका नाम बोल दिया, आपकी रिक्वेस्ट आई थी और आपकी ऐसे ही रिक्वेस्ट आती रहती है, ये तो अभी रिसेंट रिक्वेस्ट थी तो एकदम से मैंने बोल दिया, मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने बोला भी था कि मैं जल्दी बोलूंगी, तो आज का अगर आप वीडियो मेरा पूरा देखेंगे तो आपको अपने नाम सुनाई देंगे इस ब्लॉग में।
और अब मैं कर रही हूँ तविशी का वेट, तविशी आएगी फिर ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू होगा। तो तब तक मैं आपके जो जितने भी कमेंट्स हैं इनका रिप्लाई कर देती हूँ, है मेरे पास 10-15 मिनट। तो चलिए मिलते हैं फिर तविशी के आने के बाद। और तविशी स्कूल से आ गई है। हेलो। और कैसी रही बाबू पिकनिक आपकी? हमारी पिकनिक बहुत अच्छी थी। उसमें हमें बहुत सारे कुतुब मीनार के फैक्ट्स बताए थे। जैसे फर्स्ट फैक्ट एक बताया था कि कुतुब मीनार को 2 बार लाइटनिंग बोल्ट लग चुकी है और वो फिर भी अभी तक नीचे नहीं गिरा है क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है। बस थोड़ा सा टिल्ट हो गया, वो परपेंडिकुलर नहीं रहा। अच्छा, देखो और कैसा रहा, मजा आया? आपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया आपने? बहुत मजा आया हमें। और जब मैं आपको मॉर्निंग में समझा रही थी, क्या क्या बात समझाई मैंने मॉर्निंग में आज आपको? स्ट्रेंजर है, इसके पास नहीं जाना। तो आपने क्या बोला था फिर मुझे? ठीक है। नहीं ठीक है तो नहीं बोला था, कहा था बार बार यही वाली बात समझाते हो, जब भी मैं पिकनिक जाती हूँ तभी ये बात समझाते हो, ऐसे बोला था। और मैंने बनाया क्या आपके लिए आज? गाजर का हलवा। हाँ, क्योंकि ये बोलती है ये रिक्वेस्ट पे बना है, और तविशी अब टेस्ट करके बताएगी कि कैसा बना है। चलें टेस्ट करके आते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो फिर। चलो आओ टेस्ट करेंगे। मैंने आके बताया था कि कुतुब मीनार के सामने वो भी है, क्या आयरन का वो पोल। तो कैसा लग रहा है आपको ये देखने में? देखने में बहुत अच्छा, और स्मेल भी इसकी बहुत अच्छी है। तो ये आप क्या कर रहे हो, इतना मिक्स कर दिया सब कुछ ऐसी? खाना भी खाना है, थोड़ा सा ये भी टेस्ट करो, क्योंकि फिर ये खा लिया ना तो खाना नहीं खाया जाएगा। तो चलो टेस्ट करते हैं। कैसा है? एकदम लग रहा है बाहर से ऑर्डर करवाया है ना। सच में ना, मैंने भी टेस्ट किया तो मैं भी यही बोल रही थी कि बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे खरीदा हुआ हो। सच में यम्मी है। कितने मार्क्स मिलेंगे मुझे? 20 कितने में से? 10 में से 20 ये तो अच्छे हो गए, चलो डबल हो गए ना। हाँ सच में अच्छा लग रहा है ना। अभी ज्यादा नहीं खाना क्योंकि अभी मैं खाना दूंगी, उसके बाद फिर खा लेना, ठीक है? नहीं तो पेट भर जाएगा। ठीक, और अब हो गया है सारा का सारा काम खत्म। तविशी से बहुत सारी बातें की, पिकनिक वाली वो कहानियां सुनाने लग गई, उसके साथ बात करते हुए लंच वगैरह करते हुए। उसके बाद मैं अब आई हूँ क्योंकि अब मुझे करना है अपने इस वीडियो का एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बस फिर मिलूंगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।